ये कैसी विचित्र मांग है गुरुदेव? ये वरदान मांगकर तो ससुर ने स्वयं को अमर करने का उपाय कर लिया था। मैंने भूलवश अपने पुत्र का डिंग फोड़ा था। मेरी उस भूल का दंड अरुण आज तक भोग रहा है। माता पिता जब ना चाहते हुए भी अपनी संतानों को कष्ट दे बैठते हैं, उसकी पीड़ा कितनी अधिक होती है ये मैं समझ सकती हूँ। तो फिर ये उन असुरों की कैसी भक्ति थी जो अपने ही भगवान को इतना बड़ा कष्ट दे रही थी? प्रभु तो सब जानते थे गुरुदेव, फिर भी ऐसा वरदान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो भोलेनाथ हैं देव, उनके लिए सब एक समान। देवदानव, मनुष्य, गंधर्व, भूत पिशाच, पशु पक्षी, कभी किसी में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने। उनके लिए सब उन्हीं की संतान है। और जब कोई एक संतान घनघोर तपस्या करके अपने पिता से कुछ मांगती तो वो उसे देने में विवश हो ही जाते। मौन क्यों है महादेव? वरदान दीजिए। तुम्हारी इच्छा उचित नहीं है गजमुखासुर। परंतु तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। महादेव की जय हो। धन्यवाद महादेव। स्मरण रखना, ऐसा असाधारण वरदान मांगकर तुमने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसकी सहायता से तुम किसी का भी दमन कर सकते हो, किसी पर भी शासन कर सकते हो। क्षमता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें ऐसा ही करना भी होगा। सही अर्थों में शक्तिशाली वो होता है जिसे वरदान से प्राप्त हुई शक्ति के उपयोग की ना तो आवश्यकता हो और ना ही इच्छा। इसलिए मेरा सुझाव यही है गजमुखासुर, इस शक्ति का उपयोग उसी स्थिति में करना जब प्रश्न तुम्हारी आत्मरक्षा का हो और संकट तुम्हारे प्राणों का हो। मैं स्मरण रखूंगा महादेव। एक बार मेरे भाई की तपस्या भी पूर्ण हो जाए तत्पश्चात उस इंद्र से उसका स्वर्ग छीन लेंगे हम। शिवाय। गजमुखासुर और गजासुर, ओम नमः शिवाय। शासन करेंगे स्वर्ग पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव गजमुखासुर को वरदान देने के बाद जब कैलाश लौटे तो उन्हें पता चला माँ पार्वती तपस्या करने के लिए कैलाश से दूर चली गई ताकि उनकी तपस्या में कोई बाधा ना आए। ये सुनकर उनके मन का उत्साह फीका पड़ गया। वो जानते थे पुत्र कामना के लिए किए जाने वाले व्रत को पूरा करने में समय लगेगा और देवी पार्वती के बिना महादेव को कैलाश सूना लगने लगा। मैं भैया विष्णु के अवतार कृष्ण जैसा ही एक बालक चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकूं। तब तो आपको पुण्य व्रत रखना होगा देवी। जाने से पहले मैं आपसे मिल के गया था पार्वती। आप भी जाने से पूर्ण एक बार मिल तो लेती। ओम नमः
नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम नमो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? एक नए जीवन को जन्म देने के प्रयास में किए गए श्रम का प्रमाण देते इन हाथों को धोकर उस जल से प्रेम की गंगा बहाने में कैसा कष्ट प्रिय। हे प्रिय, आपसे विरह के कारण यह प्रकृति भी उदास है और इसी प्रकार मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणाय। प्रभु भोजन। प्रभु भूख नहीं है नंदे। प्रिय 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 ओम नमो नारायणाय। 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 बहन पार्वती, प्रणाम भैया। अपने व्रत को जिस निष्ठा और भक्ति से आपने पूर्ण किया मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं बहन। कहिए आपको क्या वरदान चाहिए? मेरे मन की इच्छा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया। मैंने जब से आपके कृष्ण अवतार के बाल रूप के दर्शन किए हैं तब से हर क्षण मैं वैसे ही दुख हरने वाले सुख की वर्षा करने वाले नटखट पुत्र की कामना करती रहती हूँ।
मैं भी ऐसा ही पुत्र चाहती हूँ भैया, जिसकी बाल लीलाएं मन मोह ले, जो ज्ञान गुण का सागर भी हो और मन हर्षाने वाली गागर भी, जिसके दर्शन मात्र से सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसे वंदनीय पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, जिसमें आपकी कृष्ण रूप का एक अंश भी हो, यही वरदान चाहती हूँ भैया। ये इच्छा केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सुखकारी होगी बहन। बहुत शीघ्र आपको मनवांछित संतान होगी। मेरा व्रत पूर्ण हुआ महादेव, अब हमें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो हमारे जीवन को अंतहीन प्रसन्नता से भर देगा। मुझे आभास है प्रभु, मेरे बिना आपने इतने समय तक विरह के क्षण कैसे काटे होंगे, पर अब मैं आपके पास आ रही हूँ प्रभु, बहुत शीघ्र आपके दर्शन करूंगी मैं। पार्वती वापस आ रही। नंदी, सुना तुमने? आज बहुत समय बाद मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं। देवी पार्वती कैलाश वापस आ रही। और यही नहीं, एक और शुभ समाचार भी है। देवी पार्वती का व्रत सफल हुआ। अब शीघ्र ही सखा विष्णु के काना अवतार जैसा एक बहुत ही नटखट, बहुत ही मनोहर शिशु कैलाश पर्वत पे भी खेलेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे, इन सभी शिवगणों को, समस्त कैलाश को, समस्त विश्व को बहुत बहुत बधाई। मुझे स्मरण है प्रभु, जब मैंने श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे, वो कितने मनमोहक लग रहे थे। मेरा तो मन था कि उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा दिन यहां से वहां घुमाता रहूं, और अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा प्रभु। मैं उस नन्हे बालक के साथ बहुत खेलूंगा, उसके लिए गाना भी गाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही आनंद मग्न होके उसके साथ नृत्य भी करूंगा। बस बस, अब मैं चाहता हूं कि हम देवी पार्वती के आने की तैयारी करें। वो इतने समय के बाद तपस्या करके लौट रही है। याद रहे, आते ही उनकी थकान मिट जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, माँ के स्नान, भोजन, विश्राम, हर आवश्यकता का प्रबंध मैं पहले से ही करके रखूंगा। तुम सब चलो मेरे साथ। शीघ्र आइए पार्वती, प्रतीक्षा का एक एक क्षण और भी अधिक भारी लगने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे गजासुर के तप को पूर्ण करने जाना ही होगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कारण है संसार में इस विनाश का? ये गजासुर का तप और तीव्र होता जा रहा है, सृष्टि में विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा। ओम नमः शिवाय। हे नारायण, ये कैसा अनर्थ है?
महादेव का ये कौन भक्त है जिसके तप के प्रभाव में सारे संसार में त्राही त्राही मची हुई है। प्रभु, ये तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है, किंतु आपके मुख पर चिंता की छाया क्यों प्रभु? गजासुर का तप पूरा हो गया है नंदी, मुझे उसे दर्शन देने जाना होगा। पर प्रभु, अभी तो माँ आने वाली है, आप उनसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? उनसे मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी बहुत है नंदी, यदि शीघ्र ही मैंने गजासुर के तप को विराम नहीं दिया तो इस संसार का हित भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तक तो माँ को आ जाना चाहिए था, इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? महादेव को ये फूल बहुत पसंद है, उनके लिए ले जाती हूँ, उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। रक्तिम बादल, इसका अर्थ है मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा पूरी सृष्टि विपदा में भी गिर सकती है। गजासुर का ताप तो संसार को विनाश के मुख की ओर लेकर जा रहा, महादेव को इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। गजासुर का तप निरंतर और तीव्र होता जा रहा है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि के हर प्राणी की तरह वो भी मेरी ही संतान है, मैं इस तप के भीषण ताप से उसे और झुलसने नहीं दे सकता, अर्थात मुझे जाना ही होगा। लंबे विरह के बाद होने वाले मिलन की प्रसन्नता से खिले ये फूल, प्रेम की कभी न समाप्त होने वाली आंच से जलते ये दीप, और यहाँ तक के मेरे प्रिय भोजन की सुगंध, ये सब मुझे बता रहे हैं कि महादेव ने मेरे स्वागत की कितनी विशेष तैयारी की है। परंतु वो स्वयं कहाँ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती एक दूसरे को मिल नहीं पाए क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि ये विरह बहुत ही लंबा होने वाला है।